हाय गाइस, आई एम मोना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और DIY लेके, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपके एक और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि हमारे बाल इतनी जल्दी वाइट क्यों हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसे निकाल दें इस हेयर को, मतलब जो भी वाइट हो रहा है। तो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व लेके और एक कुछ होम रेमेडीज लेके मैं आज आपको बताऊंगी कि बाल आपके हेयर ग्रे क्यों होते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्या होता था ना, आफ्टर 40 धीरे धीरे आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से आपके लेट 20s में या फिर टीनेजर बच्चों को भी आजकल धीरे धीरे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बालों का कलर तो ब्लैक है और एक एज के बाद ये सफ़ेद होता है। तो एज से पहले जो कि प्रीमेच्योर ग्रे जिसे बोलते हैं हेयर को, वो क्यों होता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में अगर आपको मैं बताती हूँ क्या होता है ना, हमारे बालों में जो फॉलिकल्स होते हैं वो मेलानिन को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स जितने ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे, हमारे बाल उतना ज्यादा ब्लैक होंगे। और किसी किसी में क्या होता है, उनके हेयर फॉलिकल्स बहुत ही कम मेलानिन को जनरेट करते हैं, उस वजह से उनके बाल क्या होते हैं, ब्राउन हो जाता है या फिर धीरे धीरे ग्रे हो जाता है, या फिर किसी किसी का सिल्वर कलर में थोड़ा शाइनिंग होके वैसा हो जाता है। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रे होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जेनेटिक, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को एज से पहले उनको भी अगर सफेद बाल आना स्टार्ट हो गए थे, तो आपको भी ये होगा। तो आप शायद इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं कि उनको भी ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद एक होता है थायराइड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे बालों में अगर सडनली कुछ भी चेंज होता है, अगर सडनली हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर हमारे बालों का लेंथ नहीं बढ़ता है, या फिर ग्रे होना भी स्टार्ट होते हैं, तो इसका भी एक मेन रीज़न थायराइड हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने थायराइड लेवल को चेक करना ना भूलिए। तो इससे अगर किसी को थायराइड है तो वो भी अपना थायराइड को रेगुलरली चेक करवाएं, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स उनको ना हो। अगर किसी किसी के बॉडी में लैक ऑफ विटामिन्स होता है या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जैसे कि अगर किसी के बॉडी में बहुत ही कम उम्र में क्या होता है ना, विटामिन B12 या फिर D3 का कमी होना स्टार्ट होता है, तो उनके हेयर भी धीरे धीरे ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अर्ली स्टेज में है, तो हम अगर किसी डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया होगा ना, तो उसे ठीक करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बाकी सारे रीजंस में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्लीप नहीं लेते हैं प्रॉपर, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से स्मोकिंग करते हैं, तो और पोल्यूशन, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उस वजह से भी बहुत ही कम इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे पोल्यूशन हो गया, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इस वजह से बहुत ही कम लोगों को क्या होता है ना, धीरे धीरे सफ़ेद बाल आना स्टार्ट होता है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि आपको ये बता दे कि आपका हेयर जो अभी ग्रे हो गया है उसे आप एक बार ब्लैक कर दो तो दोबारा से आपके ग्रे हेयर नहीं आएंगे, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। लेकिन आप जितना भी आपका अभी ग्रे हेयर है उसे आप फर्दर ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपके डाइट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा, ज्यादातर स्पिनच खाना पड़ेगा, और आलमंड आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपको आंवला, आपको ट्राई करिए कि दिन में एक आंवला आप जरूर खाएं, या तो आप आंवला जूस भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी पी सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ट्राई कीजिए कि अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई वे में करीलीव्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। और मैं इसी के लिए ये बोल रही हूँ क्योंकि करीलीव्स आपके हेयर फॉलिकल्स में जो मेलानिन को जनरेट करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपके हेयर को डार्क भी करेगा, और आपके थिक को, आपके हेयर को बहुत ज़्यादा थिक भी बनाएगा। आपने तमिलियंस को नोटिस किया होगा कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं एंड बहुत ही थिक होते हैं, क्योंकि वो डेली कोई ना कोई वे में करीलीव्स को, आइदर चटनी हो या फिर अपने राइस में, सांभर में हो, कुछ ना कुछ वे में वो इंक्लूड करते ही हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपको कोई भी केमिकल वाला शैम्पू ज्यादातर नहीं यूज करना है, परफ्यूम वाला कोई ऑयल नहीं यूज करना है,
ट्राई कीजिए कोई भी नेचुरल ऑयल आप यूज़ करें जो कि आपके हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में हेल्प करे। और मैंने उसके ऊपर दो ऑयल मेरे चैनल पर मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको एक होगा आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में हेल्प करेगा और एक ऑयल बनाया है मैंने जो कि आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा। और इन दोनों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर ये सारे कुछ टिप्स हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो भी आने वाले हैं ग्रे हेयर उतना नहीं होगा, अभी जितने हो गए ऑलरेडी बस उतने हो गए, हम फर्दर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ऐसी दो होम रेमेडीज जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फर्दर ज्यादा करके ग्रे हेयर ना आए। तो सबसे पहले इसमें है कोकोनट ऑयल एंड करी लीव्स, और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक ऑयल बना दिया है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक कर दूंगी, आप चाहें तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये इसी के लिए बोल रही हूँ कि ये आपको ग्रे हेयर को फर्दर ना आने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और आप चाहें तो कोकोनट ऑयल के जगह पर आप कोई आपके हिसाब से भी आपको कोई सूट कर रहा हो ऑयल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड करी लीव्स इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो ये क्या करेगा जैसे कि मैंने अभी बोला है कि ये आपके हेयर फॉलिकल्स में ज़्यादा करके मेलानिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके हेयर को ज़्यादा ब्लैक करेगा ना कि आपकी ग्रे हेयर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर लेना पड़ेगा, आपको ये कोई भी लोकल स्टोर में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। और इसे प्रिपेयर करने के लिए अगर आपके पास कोई लोहे का कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लोहे का कढ़ाई नहीं था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और आपको आंवला पाउडर को थोड़ी देर के लिए आपको भूनना है, जब थोड़ा सा उसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, आपको इसे जलाना नहीं है, आप इसमें आधा कप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसे भी आपको लो फ्लेम में ही धीरे धीरे चलाते रहना है, जब उसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा एंड उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और डार्क हो जाएगा तब आप गैस को स्विच ऑफ कर सकते हैं और इसे कूल होने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तब आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे एक कंटेनर में या फिर कोई भी बॉटल में आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और आप देखिएगा इसे ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिए, नहीं तो वो छोटा छोटा जो आंवला का पार्टिकल्स होते हैं ना पाउडर का वो भी मिल जाएगा। अगर वो मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो रेस्ट बच गया है आप इसे शैम्पू करने से पहले अपने बालों पर लगा कर थोड़ी देर रख के भी शैम्पू कर सकते हैं, इसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। मैंने इतना प्रिपेयर किया है और मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी प्रिपेयर करके एक कंटेनर में आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं यूज़ करने के लिए, ये कुछ ख़राब नहीं होगा। ये हेयर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इस हेयर ऑयल में हमने आंवला मिलाया है जो कि हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एक हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होती है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली ये आपके ग्रे हेयर को भी रोकने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा ब्लैक बनाएगा। इसे आपको शैम्पू करने से पहले अप्लाई करना है या फिर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट लगा कर रख के भी आप शैम्पू कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, वीक में 2 बार इसे अप्लाई करें। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं और ये होम रेमेडीज ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर आपको बाद में नहीं आएंगे। अगर आपके कुछ ही अमाउंट में है तो आपको पता चलेगा कि आपको फर्दर ये सब नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।